नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। प्रकाश राज ने उदयनिधि के सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान को दोहराते हुए कहा कि सनातन धर्म एक डेंगू की बीमारी की तरह है, इसका खात्मा होना जरूरी है। कलबुर्गी में एक्टर ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि श्रीराम के जुलूस में 18 साल के बच्चों के हाथ में चाकू और तलवार देखकर दुख हुआ। छुआछूत की मानसिकता हमारे समाज में अभी भी है। कर्नाटक में एक मुस्लिम बस कंडक्टर था जिसने अपनी धार्मिक टोपी पहन रखी थी। बस में चढ़ी एक महिला ने उसे टोपी उतारने के लिए कहा। ऐसा बोलने वाले बहुत से लोग होंगे। कल को अगर कंडक्टर धार्मिक माला पहनेगा तो क्या आप उसे कंडक्टर के तौर पर देखेंगे या उनकी भक्ति के रूप में? एक कंडक्टर ऐसा भी होगा जो हनुमान टोपी पहनेगा और प्रार्थना करेगा कि बस सुरक्षित रूप से चल रहे। सभी को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। प्रकाश राज ने एक वाक्य का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि धार्मिक जय श्री राम जुलूस में 18 साल के लड़के चाकू और तलवारें लेकर घूम रहे थे। यह सब देखकर सचमुच में बहुत दुख होता है। मुझे आश्चर्य होता है कि किसने उनका ब्रेन वॉश किया। इसी दौरान एक्टर ने सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि 8 साल के बच्चे को धर्म से जोड़ना क्या सनातन नहीं है? यह डेंगू बुखार है जिसका खात्मा जरूरी है। बीआर अंबेडकर के कारण अस्पृश्यता अवैध हो गई, लेकिन लोगों में इस तरह की मानसिकता नहीं जा रही है। इसी के साथ बने राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।